लेक्चर में हमारी आपकी बातें चल रही थी, मॉर्फोलॉजी स्टेज इतना बड़ा दिखाई नहीं दे रहा, अंदर हो। लास्ट लेक्चर में बात चल रही थी मॉर्फोलॉजी ऑफ सॉरी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग। अरे यार प्रेशर घेर के पेल दिया। हाँ आओ अब सुनो हमारी बात। इधर शेड्यूल अपडेट नहीं था इन लोग का, तो इस वजह से वही बच्चे दुखी थे, इसी वजह से नाराज थे, हमने नाराजगी दूर की उनकी। आओ मैं कहा था डाइकॉट की आज आखिरी लेक्चर है चैप्टर का, मोनोकॉट की रूट स्टेम और लीफ। अच्छे से मेरी बात सुनिएगा, क्लास के अंदर ही तैयार कर लीजिएगा चैप्टर को, बिकॉज आफ्टर क्लास ऑफ अनंत अग्निहोत्री सर आपका एनाटॉमी का ही टेस्ट लगा है, ठीक है ना? ना ना कई बार नहीं, अपने आप को हर परिस्थिति के लिए ढालो, मुझे क्या कल ले लो टेस्ट, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर ये गलत है। कई बार हर परिस्थिति के लिए डालो कि तुरंत घटक दिया और तुरंत टेस्ट बगैर पढ़े, क्लास में देखते हैं तुम कितना अपने दिमाग में कैरी कर पाते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अनंत सर की क्लास, फिर मैं आऊँगा, टेस्ट कंडक्ट कराऊंगा, टेस्ट डिस्कस कराऊंगा, और इस वजह से कह रहा हूँ बड़े मन से पढ़ना, बड़े मन से प्रैक्टिस करना। मोटे सामने देखो इधर, हाँ अभी उसकी आंसर की मैंने नहीं बनाई, बना दूंगा आज। पहले इधर देखिएगा, डाइकॉट का पढ़ेंगे मोनोकॉट का कंपेयर करेंगे, क्या बोला दोबारा सुनिएगा, डाइकॉट का पढ़ेंगे और मोनोकॉट का क्या करेंगे कंपेयर, डाइकॉट रूट पढ़ेंगे मोनोकॉट रूट कंपेयर कर लेंगे, डाइकॉट स्टेम पढ़ेंगे मोनोकॉट स्टेम कंपेयर कर लेंगे, डाइकॉट लीफ पढ़ेंगे मोनोकॉट क्या कर लेंगे कंपेयर। बोर्ड की तरफ देखिए आराम आराम से, मेरे साथ आओ, कॉपी किताब खोलो, वाइट पेज वाइट पेज। कल एक लड़की यहाँ बैठी थी जिसकी मैंने बुक ली थी, बड़ी अच्छी बुक थी उसकी, लास्ट ईयर हमसे पढ़ी, बड़ा अच्छा उसने नोट्स बनाया। कौन था जो यहाँ बैठा था? हाँ जो ऑनलाइन वाली थी, ऑनलाइन वाली, बड़ी सही नोट्स बनाई थी उसने, कहाँ है? वहां बैठी हो, कभी आगे कभी पीछे। लाओ किताब लाओ, इधर कोई लड़का लेके ले आए, बेटा ले आओ, ओए चिकने, हाँ लाओ। अरे कुर्ता पैजामा टोपी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा चलो इधर इधर आओ बेटा, अब मेरी बात सुनिएगा, एक साफ सुथरा पेज निकालिएगा, बेहद साफ और बेहद सुथरा चले। सबसे पहले एक डाइकॉट प्लांट का नाम ले लेते हैं, चलो सनफ्लावर, ठीक। सनफ्लावर क्या है भैया? डाइकॉट। साथ साथ में बनाएंगे, साथ साथ में दो दो तीन तीन बार प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिक सारी चीजें याद हो जाएंगी। बोल की तरफ देखना, अगर मैं एक डाइकॉट प्लांट की रूट लूं और रूट को काट के सामने तो कैसे दिखाई देगी? गोल गोल। आओ इधर देखो बेटा, सबसे बाहर वाली लेयर एपीडर्मिस, बनाओ बनाओ बनाओ, साथ में बनाओ, साथ में अलग अलग नहीं बनेगा, एपीडर्मिस। सबसे बाहर वाली लेयर एपीडर्मिस, बनाओ साथ में, बनाओ साथ में, तभी तैयार होगा बेटा। गोला बना रहे हैं बस और कुछ नहीं, थैलियों का गोला। ए एपीडर्मिस में वैक्यूल छोटा या बड़ा? पक्का? स्टोमेटा प्रेजेंट या एब्सेंट? बताओ प्रेजेंट या एब्सेंट? पक्का? बनाओ भैया एपीडर्मिस। इसकी एपीडर्मिस को एपीब्लेमा बोलते हैं, रूट की एपीडर्मिस के लिए एक अलग सा नाम दिया गया है एपीब्लेमा। बनाओ बैठे कैसे हो? रूट की एपीडर्मिस को हम लोग क्या बोलते हैं? एपीब्लेमा। तुम लोग, तुम दो लोग इधर आ जाओ, तुम दो लोग इधर आ जाओ, उधर मैं जाता हूं ना। रूट की एपीडर्मिस को एपीब्लेमा, बैग डालो, हो गया। जहां ना पता हो वो थिन वॉल की थिक वॉल, थिन, बहुत बढ़िया, हो गया। चले साथ में बनाइएगा, लेकिन रूट की एपीडर्मिस इज कॉल्ड एपीब्लेमा, हो गया। चलिए एपीडर्मिस के बाद
ढेर सारी सेल्स पाई जाएंगी एपिडर्मिस के बाद, ढेर सारी सेल्स होती हैं, एक लेयर की कई लेयर पाई जाएगी कॉर्टेक्स की। एपिडर्मिस के अंदर वाला माल क्या हो गया? कॉर्टेक्स। मेरे में तो एनिमेशन है, तुम्हारे में एनिमेशन तो है लेकिन कहाँ है पता नहीं। हो गया बस चुप हो जाओ। एपिडर्मिस के बाद ये कई लेयर किसकी कहलाएंगी? कॉर्टेक्स। फ्यू लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। गौर से देखिए, इंटरसेलुलर स्पेस है या नहीं है? बोलते ही नहीं यार, है, ताकि हवा अंदर जा पाए, रूट सांस ले सके। पानी नहीं बेटा, हवा के लिए बोला जाता है स्पेशली, ठीक है? हाँ पानी भी जाएगा, बिल्कुल सही है, एपोप्लास्ट, लेकिन मेनली किसके लिए बोलते हैं? हवा के लिए। लिखो सेवरल लेयर, पहला पॉइंट सेवरल लेयर, स्टार बना के, पहला पॉइंट सेवरल लेयर, कई लेयर होंगी। बेटा लिखते जाओ, एनाटॉमी की नोट्स पढ़ी जाती है, सिर्फ किताब नहीं पढ़ी जाती है एनाटॉमी की। सेवरल लेयर हैव इंटरसेलुलर स्पेस, हैव इंटरसेलुलर स्पेस, फॉर गैसियस ट्रांसपोर्ट, हैव इंटरसेलुलर स्पेस फॉर गैसियस ट्रांसपोर्ट। थिन वॉल्ड है तो लिखोगे या नहीं लिखोगे? चलो, कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली लेयर, इंडो का मतलब क्या हुआ भैया? अंदर। ढोलक शेप होती है, ढोलकिया। कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली लेयर ढोलक शेप्ड होती है। कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली लेयर ढोलक शेप होती है, जिसे बोलते हैं इंडोडर्मिस। इंडो डर्मिस हो जाए तो इतला कीजिए भैया। इंडोडर्मिस के नीचे लिखिए बैरल शेप्ड। अच्छा बनाओ 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 बनाओ, अरे अभी पांच पांच छह छह बार प्रैक्टिस कराएंगे, कहाँ परेशान हो रहे हो। इंडोडर्मिस के अंदर लिखिए, अंदर नहीं मतलब नीचे। अच्छा बनाओ बनाओ बनाओ, ढोलक के बीच में स्पेस मत करो बिल्कुल भी, सारी सेल जोड़ दो, क्योंकि बीच में स्पेस नहीं होता है इंडोडर्मिस में। बताओ इंडोडर्मिस में देख के बताइएगा, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट? यस इट इज एब्सेंट। राइट डाउन लिखो, इंडोडर्मिस में बना लिया ना इंडोडर्मिस, लिखो बैरल शेप्ड, बैरल BARRL, ढोलक के आकार की, जैसे तुम्हारा मुंह है, बैरल शेप्ड। इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट। कोमल गुप्ता नहीं लिखना, नहीं बेटा हो गया, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट। इधर देखो बेटा, इधर 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 इधर, ये दीवार रेडियस के अलोंग है, हाथ देखो ये सेल वॉल रेडियस के अलोंग है, ये रेडियस के अलोंग, ये अलोंग, ये बताओ रेडियल होगा या टेंजेंशियल?
रेडियल। और बेटा ये क्या हो गया? टेंजेंशियल। टेंजेंशियल किसको कहते हैं? मैथ में टेंजेंट किसे बोलते हैं? क्या किसी सर्किल को? कोई चीज अगर एक पॉइंट को टच करके निकल जाए तो बेटा ये वाली बॉल क्या कहलाएगी? टेंजेंशियल। यहां पर पाई जाती है एक वैक्सी कवरिंग, और ये वैक्सी कवरिंग बनी होती है सुबेरिन की। किसकी बेटा? सुबेरिन। संध्या की सुबेर लिखो। कवर्ड बाय इंडोडर्म, कवर्ड बाय बनाती बहुत हो तुम, कवर्ड बाय सुबेरिन, एस यू बी ई आर आई एन, कवर्ड बाय सुबेरिन। सुबेरिन रेडियल एंड टेंजेंशियल बोथ, रेडियल एंड टेंजेंशियल बोथ, रेडियल। अरे सर 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 सर, आप ही की वजह से लेक्चर होके बैठे थे, हम सोचे आप आए तो हम कलम उठाएं, उठ नहीं रहा था। देखिए टेंजेंशियल, रेडियल एंड टेंजेंशियल लिखा ऊपर। ये बताओ मटेरियल सुबेरिन का है? ऊपर देख बेटा, देख ही नहीं रहे यार, मटेरियल सुबेरिन का है, लेकिन देखा जाए चारों तरफ क्या बना लिया है? स्ट्रिप। लिखो कंप्लीट स्ट्रिप इज कॉल्ड कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन वॉज अ साइंटिस्ट, उनके सम्मान में रखा गया कैस्पेरियन स्ट्रिप। कंप्लीट स्ट्रिप इज कॉल्ड कैस्पेरियन स्ट्रिप। डायग्राम में सब लिख दो, अलग से कुछ नहीं पढ़ा जाता। कैस्पेरियन, सी ए एस पी ए आर, ए मोटी तुम लोग का फिर लड़ाई हो गया, लड़ाई हो गया, अभी नहीं हुआ है। अच्छा कंप्लीट स्ट्रिप इज कॉल्ड कैस्पेरियन स्ट्रिप। कल उसका फोन आया था मेरे पास, वही लगभग वही 9-10 के आसपास, तुम्हारी बड़ी बुराई कर रही थी। हाँ कह रही थी कि सर पीठ पीछे आपको गाली देती ऐसे ऐसे। हाँ 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 ऐसा बोला उसने। कैस्पेरियन स्ट्रिप लिखा, अपना समझ लेना भैया ठीक है। कंप्लीट स्ट्रिप इज कॉल्ड कैस्पेरियन स्ट्रिप। और भी बहुत कुछ पर्सनल बातें बता रही थी। कंप्लीट स्ट्रिप इज कॉल्ड कैस्पेरियन स्ट्रिप। हो गया, मुझे बुरा लगा, मेरी बहन हो ऐसा कोई बोल रहा है, अच्छा लगा मुझे। कंप्लीट स्ट्रिप इज कॉल्ड, मानेगी नहीं, बोलेगी कि नहीं सर झूठ बोल रहे हैं। कंप्लीट स्ट्रिप इज कॉल्ड कैस्पेरियन स्ट्रिप। कर लिया, कर लिया। ऐसे बेटा अपने दोस्त की बुराई नहीं की जाती है किसी से, है ना। आओ बेटा इधर आओ, लड़के उल्टा बचाते हैं अपने दोस्त को, नहीं सर ऐसा नहीं है सर, इधर आओ बेटा, इधर देखो। इंडोडर्मिस के अंदर कुछ लेयर, गौर से सुनिएगा मेरी बात, कुछ लेयर, जी जनाब नहीं बात सुनो, इंडोडर्मिस के अंदर बस बेटा हो गया, लड़का है, इतना एक्साइटमेंट तो कैटरीना के आने पे नहीं होगा यार। इंडोडर्मिस के अंदर कुछ लेयर, थिक वॉल, थिक का मतलब क्या हुआ? मोटा। पहली चीज है जिसमें हमने क्या बोला? थिक। तो याद रखना, याद रखना, ये क्या होगी? थिक वॉल। क्या ये चारों तरफ है? क्या सर्कुलर मैनर में है? क्या पेरी साइकिल, पेरी थिक वॉल, जहां ना बोला जाए कोई चीज किसकी बनी है, आंसर क्या लगाओगे? पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, थिक वॉल सेल। आगे बोले विथ फ्यू लेयर। ये याद करो, प्राइमरी रूट के ऊपर कौन सी रूट निकली थी? सेकेंडरी। लिखो, यहीं से सेकेंडरी रूट निकलती है। इनिशिएशन ऑफ सेकेंडरी रूट, या लेटरल रूट बोलो और अच्छा है, लेटरल मतलब बगल। इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट, एक कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ कराता है कि प्राइमरी? सेकेंडरी। डाइकॉट रूट मैंने बताया था सेकेंडरी ग्रोथ होती है। लिखो एंड, मोनोकॉट में कहीं नहीं होगी ना रूट, ना स्टेम, ना लीफ। एंड एंड
it becomes part of vascular cambium during secondary growth. ये एक पार्ट बन जाता है, एक टुकड़े की तरह काम करता है कैम्बियम में. फुल स्टॉप. लास्ट पॉइंट, लेटर. लेटर मतलब पत्र. अरे वाह, इतना नॉलेज. अच्छा लेटर. अच्छा, इस बैच की बच्चियां बहुत बदतमीज हैं, बहुत कमेंट मारती हैं कसम से, और इतना सुर्रा कमेंट मारती पता न चले कहां से आया है. लेटर कॉमा अ कैम्बियम रिंग. A cambium ring. ओए लंबे बाल वाले पीछे, ओए लोकल जॉन इब्राहिम लिखो लिखो. लेटर अ कैम्बियम रिंग डेवलप बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. ये बात आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी. पहले बनाई जा बना के सिखाते थे, अब सेकेंडरी ग्रोथ है नहीं. लेटर कैम्बियम रिंग डेवलप बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. लेटर कैम्बियम रिंग डेवलप बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. हो जाए तो इत्तला कर दो भैया, बधाई हो. घर वालों को फोन करो, कहो जून में आए थे, देखो अभी हो गया. अरे बेटा क्या, अरे एनाटॉमी हो गया ये बोल रहे हैं. आओ बेटा इधर, ये बताओ रूट पढ़ रहे हो कि स्टेम पढ़ रहे हो? आर से रूट, आर से रेडियल. मतलब जाइलम फ्लोएम सेम एक्सिस पे किया, अलग 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 अलग. अरे ठीक है, की बुराई उसने की, बात खत्म हो गई, हम मान थोड़ी लेंगे उसके कहने से. जाइलम अंदर, बोलो सलील जाइलम अंदर, नादान साहिल सर बाहर. और बेटा जो मिक्सअप किया है आपको लात मारेंगे अभी हम, जो लोग मिक्सअप करके बोले हो. बनाओ जाइलम फ्लोएम, जाइलम अंदर फ्लोएम बाहर. कितना सरल है यार, मैं तो कह रहा हूँ एनाटॉमी यही रोक दूँ, स्ट्रक्चरल शुरू कर दूँ. इस साल मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, फ्रॉग पढ़ाना है. फ्रॉग इतना सुंदर पढ़ाते हैं, इतना सुंदर पढ़ाते. हटा था ना, इतना बुरा लगा था. हम दो चार मीठा खा गए गुस्से में, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो. लिखो जाइलम अंदर. मारिस पूछे खराब क्या बढ़ाए थे. मारिस तुम्हारे घर में कोई राजनीति में है क्या? कोई है? है, देखो है. प्रधान 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 कौन? पापा प्रधान है. अच्छा, हम समझ गए इसकी आवाज कहाँ ऐसे है. लिखो रुक जाओ, लिखो 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 लिखो. बड़ा लेना देना होता है. इधर आओ बेटा, बीचों बीच सेल्स पाई जाती हैं, बीचों बीच सेल्स पाई जाती हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं PITH. 2016-17 था, एक बच्ची ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था भरी क्लास में, हिम्मत का मैं दाद देता हूं उसकी. उसने पता क्या पूछा था? उस वो मुझसे पूछती है, कहती सर ये बताइए पित्त की थैली तो हम लोगों में होती है, प्लांट में कैसे हो गई? पित्त की थैली तो हम लोगों में होती है, ये प्लांट में कैसे पित्त की थैली हो गई? हमने कहा ये ऐसा क्वेश्चन है जो पहली बार मैं फंस गया हूं उसमें. पित्त कर लिया. हाँ मैंने सीधे कहा मैं नहीं बता पाऊंगा, इस पर रिसर्च चल रही है आज भी. हो गया. जाइलम फ्लोएम के बीच में, जाइलम फ्लोएम के बीच में कुछ सेल्स पाई जाती हैं. ऐसा लगता है पित्त अगर सूर है तो ये उससे निकलने वाली किरणें, इन्हें बोलते हैं रूट में कंजक्टिव टिश्यू. कंजक्टिव टिश्यू कर लिया. बनाओ भैया कंजक्टिव टिश्यू. पित्त में लिखिएगा स्मॉल,
अगर कोई चीज छोटी है तो स्पष्ट दिखेगी कि अस्पष्ट, स्मॉल एंड इनकन्स्पिक्यूअस। अगर स्पेलिंग पूछना चाह रहे हैं तो मैं इसे अनक्लियर लिखा दूं, स्मॉल एंड इनकन्स्पिक्यूअस। स्पेलिंग पूछना है तो उसको काट के अनक्लियर लिख दो, स्मॉल आई एन सी ओ एन, पित 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 पित, स्मॉल एंड इनकन्स्पिक्यूअस, आई एन सी ओ एन एस पी, आगे घसीट दो कुछ 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 कुछ। अरे तुम पढ़ लो, हम पढ़ ले, बात खत्म हो गई। स्मॉल एंड इनकन्स्पिक्यूअस कर लिया, नीचे नोट, खुद ही बोल रही है चिल्लर, लिखो नोट, सच बाहर, ऐसा कौन कौन सा सच है जो बाहर आ रहा है। नोट, इन ऑल द माल, ऑल द माल लिखो तो, ऑल द माल, माल इन साइड इंडो डर्मेस इज कॉल्ड स्टीले, एस टी ई एल ई। ये वो वाली स्टील नहीं है, हाँ बर्तन वाला स्टील नहीं है ये, नहीं कहते यहीं से स्टील निकालते हैं। ऑल द माल इन साइड इंडोडर्मिस इज कॉल्ड स्टीले, खुद से लिखे, मुझे नहीं पता है कि स्टीले में क्या क्या आएगा। एग्जाम्पल, पेरीसाइकिल जाइलम फ्लोएम पेथ कंजक्टिव टिश्यू, लिखो चारों के नाम। कहाँ गए थे? अच्छा अच्छा, कहाँ गए भैया? अच्छा, सलाम वालेकुम, अच्छा इधर आओ जरा, तुम हमको नहीं करे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, इधर लिखो बेटा। ऑल द माल, टोपी लगा के जा रहे हैं रोड पे, आए आए हैं ऐसे ऐसे करते हुए। ऑल द माल इनसाइड, अरे हटा लिया करो कम से कम, थोड़ी इज्जत रखो। ऑल द माल इनसाइड इंडोडर्मिस इज कॉल्ड स्टील, एग्जांपल पेरीसाइकिल कॉमा पेथ। ए पेरीसाइकिल से क्या लेटरल रूट निकलती है क्या? बोलो यार। बेटा किसी एक से रूट हेयर निकाल दो, किसी एक से रूट हेयर निकाल दो, डाइकॉट स्टेम ओवर एंड आउट, कोई रीड करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ रूटी तो बोले, हाँ हाँ वो स्टेम मेरा कहना था लेकिन मेरा मानना रूट से था। लिखो बेटा, कर लिया। अब एक तरफ लिखो डाइकॉट रूट, एक तरफ लिखो मोनोकॉट रूट, डिफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट यही पार्ट होता है भाई। एक तरफ बच्चों डाइकॉट रूट, एक तरफ मोनोकॉट रूट, एडजस्टमेंट में दिक्कत। डाइकॉट रूट मोनोकॉट रूट हो गया, बीच में डंडा। डाइकॉट रूट में लिखिए 2-4, मोनोकॉट खत्म तुरंत, 2-4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस, 2-4 जाइलम, डैश लिखना नहीं है लगाना है, 2-4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस, मोनोकॉट रूट मोर देन सिक्स जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस, या बंडल लिख लो जो तुम्हारी मर्जी हो। पैचेस मतलब धब्बा, देखने में धब्बे जैसा लगता है। मोर देन सिक्स जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस, ब्रैकेट में पॉली आर कंडीशन, पॉली आर कंडीशन, पी ओ एल वाई पॉली ए आर सी एच आर, पॉली आर कंडीशन हो गया। डाइकॉट रूट में लिखिएगा पिथ स्मॉल का भी लास्ट था, स्मॉल लिखो स्मॉल, पिथ डैश स्मॉल। मोनोकॉट में अब डिफरेंस है तो उल्टा ही होगा भाई, सब सीधी बात है,
पिथ लार्ज मतलब वेल डेवलप या लेस डेवलप? वेल डेवलप, लार्ज एंड वेल डेवलप। ये बताओ इसमें कैम्बियम बनेगी क्या? बोलो यार, लिखो। डाइकोट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट, मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ अब्सेंट। सेकेंडरी मतलब चौड़ाई में या लंबाई में? चौड़ाई में पाई जाएगी। रेडियल या टेंजेंशियल? दोनों। पूरी स्ट्रिप को कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलते हैं। मटेरियल क्या है? सुमेरियन। वैक्सी नॉन वैक्सी? ये बताओ इंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकिल कुछ लेयर या कई लेयर? हाँ, पेरिसाइकिल थिक वॉल्ड है, बाकी बचा थिन वॉल्ड। ये बताओ पेरिसाइकिल आपकी उसके, ये बताओ उससे क्या लेटरल रूट निकलती है क्या? क्या ये वैस्कुलर कैम्बियम का पार्ट भी बनाती है? मतलब सेकेंडरी ग्रोथ में मदद करती होगी? यही कैम्बियम रिंग बाद में जाइलम और फ्लोएम के बीच से निकलेगी? ये पॉइंट हमने रटा है क्योंकि ये पॉइंट आपको यहाँ समझना नहीं है। ये बताओ क्या पिथ आपका डाइकोट रूट का स्मॉल या लार्ज? और मोनोकोट का किसका? इनकंस्पिक्यूअस। ओवर एंड आउट। तैयार। जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या पाया गया था? कंजक्टिव टिश्यू। ये बताओ क्वेश्चन ऊपर स्टीले के अंदर, इंडोडर्मिस के अंदर का माल स्टील है। आओ इधर देखो बोर्ड की तरफ। अब हम लोग पढ़ेंगे डाइकोट स्टेम। ये बताओ छह से ज्यादा वेस्कुलर बंडल मोनोकोट और दो से चार किस्में डाइकोट। खत्म बेटा। आओ डाइकोट स्टेम। अगर किसी स्टेम को लेकर हम काट के सामने से देखेंगे तो कैसी दिखाई देगी? गोल। ऊपर देखो बेटा, बनाओ नहीं, सुनो मेरी बात। अगर किसी स्टेम को काट के सामने से देखेंगे तो कैसी दिखाई देगी? गोल। अब इधर देखो बोल्ड की तरफ। सबसे बाहर बताओ एपिडर्मिस। ये बताओ स्टेम और लीफ पर क्या हेयर्स पाए जाएंगे? कुछ स्टोमेटा होंगे या ढेर सारे? कुछ। यहां पर मैंने बना दिया स्टेम हेयर, ठीक। एपिडर्मिस के अंदर रूट में क्या था भैया? बोलते ही नहीं हो यार, कॉर्टेक्स। आओ बेटा, मैंने आपसे कहा था प्लांट में टोटल कितने प्रकार की सेल? तीन। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। चौथी कोई सेल प्लांट में नहीं पाई जाएगी। एनिमल्स में तो प्रकार प्रकार की सेल्स हैं। मसल सेल अलग, हार्ट की सेल अलग, स्टमक की सेल अलग, न्यूरॉन अलग, नेफ्रॉन की सेल अलग। लेकिन प्लांट में तीन प्रकार की सेल, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। कहाँ? 90% पैरेन्काइमा, 90% पैरेन्काइमा। अब सुनो मेरी बात, तो प्लांट का मेजर पार्ट कौन बना रहा है? पैरेन्काइमा। ऊपर जो आपकी कोलेन्काइमा है ना, कोलेन्काइमा ये लचीलापन देती है। जब स्टेम आपकी, देखो डाइकोट स्टेम है, समझना मेरी बात। अभी मान लो प्राइमरी ग्रोथ कर रही है, मतलब लंबाई में बढ़ रही है, तो लंबाई में बढ़ेगी तो हवा का थपेड़ा पड़ेगा, हवा का थपेड़ा पड़ेगा तो टूटने का खतरा क्या है? ज्यादा। तो कभी देखो जो आपके लंबे लंबे प्लांट होते हैं लेकिन अभी चौड़ाई में नहीं बढ़े हैं, चौड़ाई में बढ़ेंगे तो मेरा मानना है एपिडर्मिस आपकी क्या होगी? फट जाएगी। अभी चौड़ाई में नहीं बढ़े, अभी किसमें बढ़ रहे हैं? लंबाई में। तो आपने देखा जब बहुत तेज हवा चलती है तो प्लांट टूटते नहीं बल्कि हवा में ऐसे ऐसे लहराते हैं, देखा है? लचीलेपन के लिए कोलेन्काइमा होती है। कौन होती है? कोलेन्काइमा। बोर्ड की तरफ देखो, इनकी कॉर्टेक्स टोटल तीन लेयर में बटी है। कितनी लेयर में भैया? तीन। साथ में बनाइए, साथ में साथ पेन चलाते रहिए। बटी है लेकिन कितनी है भैया? कॉल्टेक्स की टोटल तीन लेयर। हमारी बन गई। ये देखो, ये देखो,
आवाज बन गई एनिमेशन। सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे, डर्मिस के नीचे तो शब्द आएगा हाइपो। हाइपो मतलब क्या हुआ? नीचे। पीछे वालों बोला करो बेटा, हाई बोला करो, बार बार बोल रहा हूं। हाइपो का मतलब नीचे, डर्मा मतलब लेयर, पक्का पहली लेयर के नीचे हाइपोडर्मिस। अब लिखो हाइपोडर्मिस। अरे लिख लो अम्मा, जितना बना उतने में ही लिख लो, कसम खाई पूरा गोलियां होगी। हाइपोडर्मिस, पहला कॉलन काइमा सेल, ये किसकी बनी होंगी? कॉलन काइमा। और अच्छा लिखना, लिखो कॉलन काइमेटस। स्पेलिंग अगर पूछोगे तो कॉलन काइमा, सी ओ डबल एल ई एन सी एच वाई एम ए टी ओ यू एस, कॉलन काइमेटस। इससे अच्छा नहीं बोले होते स्पेलिंग, कॉलन काइमेटस। सो प्रोवाइड, सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्राइमरी प्लांट बॉडी या सेकेंडरी? बोलते ही नहीं हो यार, प्राइमरी। गधी जब लंबाई में बढ़ता तब लचीलापन चाहिए, पेड़ का लट्ठा कभी लचलचाता नहीं है। सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ बिटिया, जिसकी बुक है मेरे हाथ में लिखती रहना, क्योंकि हर बार का नोट्स अलग है, ये अलग है, ये अलग चल रहा है। सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अरे आप पेन के साथ खेलती हैं ऐसे ऐसे? वाओ, मैं हथियार से खेलती हूं। सो प्रोवाइड, पर पढ़ना लिखना नहीं जानती हूं। सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू ओल्ड स्टेम। ओके, आई एम सॉरी टू यंग स्टेम। प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू यंग स्टेम। तुम प्राइमरी लिख दो, यंग लिख दो, जो तुम्हारी इच्छा हो वो लिख दो भैया। प्राइमरी प्लांट बॉडी लिख दिया, ऑब्लिक यंग स्टेम, ऑब्लिक यंग स्टेम। अगला पॉइंट, फ्यू लेयर्स, कुछ लेयर होती हैं। जस्ट बिलो एपिडर्मिस, नाम इसी वजह से क्या पड़ा है, हाइपोडर्मिस। जस्ट बिलो एपिडर्मिस। अब इसके नीचे बच्चों गोल गोल सेल बनाओ, राउंड राउंड, हाउ हाउ राउंड राउंड, हाउ मच की याद आ रही हूँ, बुखार हो गया है। लिखो बेटा कॉर्टिकल लेयर। हाइपोडर्मिस के नीचे जो लेयर है, कॉर्टेक्स नहीं बोल रहा हूं, ए भैया ऊपर है भैया, कॉर्टिकल लेयर लिखा है, कॉर्टेक्स नहीं है। कॉर्टेक्स थोड़ी देर बाद बताएंगे क्या है। कॉर्टिकल लेयर, कॉर्टिकल लेयर बोले, राउंड राउंड, राउंड मतलब चौकोर। अरे वाह, व्हाट अ नॉलेज। थिन वॉल्ड बोलने की आवश्यकता है क्या? ये बताओ, इंटरसेलुलर स्पेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? ताकि गैस अंदर जा पाए। लिखो कंस्पिक्यूअस, इनकंस्पिक्यूअस नहीं बेटा, इनकंस्पिक्यूअस। डाइकॉट रूट क्या? पिथा। अगर स्पेलिंग पूछोगे तो बेटा क्लियर, कंस्पिक्यूअस इंटरसेलुलर स्पेस एकदम स्पष्ट, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट। खत्म होने वाला है। कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली लेयर क्या बोले थे हम लोग वहां पर? इंडोडर्मिस। यहां पर बता दो इंडोडर्मिस, पर यहां की इंडोडर्मिस बैरल शेप्ड नहीं होगी, नॉर्मल, नॉर्मल सेल्स के लिए।
बस एक काम करना, इनकी इंडोडर्मिस के अंदर ढेर सारा स्टार्च रिजर्व के रूप में स्टोर रहता है। डाइकॉट रूट में कि स्टेम में? स्टेम में। डाइकॉट स्टेम में इंडोडर्मिस के अंदर ढेर सारा क्या भरा रहता है? स्टार्च। बट हाथ देखो बेटा, किसी नहीं पाओगे। हाथ देखो, ऐसा लग एक लेयर बना ली है। तो इनकी प्रॉपर्टी है इंडोडर्मिस की कि स्टार्च की शीट पाई जाए। बोल लो, बोलो इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस रिच इन स्टार्च ग्रेन। ये डाइकॉट रूट में कि स्टेम में? स्टेम में। रिच इन स्टार्च ग्रेन, पहला पॉइंट। अभी तक बना नहीं पाए, मैं बना के बराबर कर दिया इतनी देर। रिच इन स्टार्च ग्रेन, कल मैं पिक्चर देखा हूं, मारिस गहिर सिंह 10 मिनट देखे सो गए, इतनी बोरिंग लगी। लिखो रिच इन स्टार, कुछ साइंस ही नहीं था उसमें। ये कौन सा साइंस है यार, ये कौन सी मूवी है? रिच इन स्टार्च ग्रेन हो गया, ब्रैकेट में स्टार्च शीट, रिच इन स्टार्च ग्रेन, ग्रेन मतलब दाने, ब्रैकेट में स्टार्च शीट। बेटा स्टेम पढ़ना है कि रूट पढ़ना है? बेटा अब इन तीनों को, इन तीनों को विद प्रॉपर्टी गोले वोल्टेक्स ही टोटल कितनी है? 3। हाइपोडर्मिस, बोलो हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर और कॉल्टेक्स। नहीं हो पाएगा क्या? और इंडोडर्मिस, हाँ इंडोडर्मिस। नहीं हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, तो लिख लो कॉल्टेक्स बराबर, उसी के नीचे लिख लो एक चिल्लर पॉइंट बना लो। और जब तक हम देखे तब तक प्रीति आई ही नहीं थी, मर गई। कॉल्टेक्स बराबर हाइपोडर्मिस, अरे नीचे अलग से लिख लो, सही तुम्हारा नाम मारिस पड़ा है। कॉल्टेक्स बराबर हाइपोडर्मिस प्लस कॉर्टिकल लेयर, लिख लीजिए लिख लीजिए, घर की बात है, हो गया। अच्छा कॉर्टिकल लेयर प्लस, लिखो प्लस इंडोडर्मिस। डाइकॉट रूट में क्या था? सुबेरिन। और यहां पर डाइकॉट स्टेम में क्या है? स्टार्ची। बेटा ये बताओ, स्टेम पढ़ रहे हो, याद करो स्टेम में वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट या अलग अलग? कंजॉइंट। जाइलम फ्लोएम एक रेडियस पर, जाइलम अंदर फ्लोएम बाहर, जाइलम अंदर फ्लोएम बाहर, जलील जाइलम और नादान फ्लोएम बाहर। हाँ टेडी बियर सर की क्लास है, टेडी बियर। हो गया, अच्छा अगर आनंद सर मारेंगे तो कैसे मारेंगे? मारे, मारे, गुस्साते ही नहीं है। हाँ पोरवाल सर कैसे मारते हैं पता है? कभी देखो मारते हुए, बहुत गंदा, बहुत गंदा मतलब बहुत गंदा। वो हट जाता है, उनका मीटर ही हट जाता है पूरा, सीट वीटर चढ़ के जूता चलाना चालू कर देते हैं। पढ़ाते वक्त कभी मजाक कर लेना, फिर देखना एक बार, देखें अपनी आंख से देखें मारते हुए, बहुत गंदा। हम इकलौते टीचर हैं जो कभी बच्चों पे हाथ नहीं उठाते हैं। भाई ऑनलाइन ऑनलाइन चल रहा है, बात समझो भाई, कैमरा बंद करा दूंगा अभी। करो इसे साइलम फ्लेम, कर लिया। ए इंडोडर्मिस के जस्ट अंदर कौन सी लेयर थी? पेरी साइकल।
लेकिन यहाँ पर पेरी साइकिल टुकड़ों में होती है। कैसे बेटा? टुकड़ों में। आहा, ये देखो बेटा टुकड़े, और ये टुकड़े देखने में अर्धचंद्राकार होते हैं। कैसे बेटा? अर्धचंद्राकार। सेमी मतलब आधा, ल्यूना मतलब चंद्रमा, घसीट के लिए पेरी साइकिल, घसीट के लिए पेरी साइकिल। पेरी साइकिल लिखो, सेमी ल्यूनर पैचेस। खास बात इसकी, ये स्क्लेरन काइमा की बनी है। स्पेलिंग बोल दें, अगर बोलना पड़ता तो नहीं बनी है। स्क्लेरन काइमा, SCLERN बनाओ बनाओ बनाओ। सेमी ल्यूनर पैचेस, पैचेस, पैच मतलब धब्बा, PATCHES। इतनी आसानी से एनाटॉमी तैयार हो रही है ना, मजा आ रहा है। हो गया अगला, स्क्लेरन काइमा, एस से सेमी ल्यूनर, एस से स्क्लेरन काइमा। हो गया ऊपर बेटा मुन्ना, आप कभी भी स्टेम में सुन लीजिए मेरी बात, किसी भी चीज की पोजीशन बताएं, बताते हैं अंतरात्मा कह रही, इस पैटर्न पे क्वेश्चन बनेगा इस साल। अगर किसी भी चीज का सीक्वेंस बताते हैं तो ये मान के बनाया करिए कि आप बीचों बीच बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? बीचों बीच। तो सबसे बाहर कौन दिखेगी? एपिडर्मिस, उसके अंदर हाइपोडर्मिस, उसके नीचे आपकी कॉर्टिकल लेयर। सब लोग बोलो यार, उसके नीचे इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस के नीचे सेमी ल्यूनर पैचेस, लेकिन फ्लोयम के ऊपर। कैसे पकड़ रहे हो? बाहर से कि बीच में से? अंदर से नहीं, बीच से। लिखो सेमी ल्यूनर पैचेस, स्क्लेरन काइमा, लास्ट पॉइंट, अबव द फ्लोयम, अबव द फ्लोयम, फ्लोयम के ऊपर। Above the phloem and inner side of endodermis. ये बताओ dicot stem secondary growth करेगी या नहीं करेगी? करेगी। तो बीच बीच में xylem phloem के बीच में cambium बना दो। अरे बस एक लाइन खींचनी आ रही है। बना दिया। ये बताओ ये cambium xylem phloem के बीच में है या दो बंडल के बीच में? जाइलम फ्लोएम के बीच में। फैसिकल मतलब ही होता है बंडल, इसे बोलते हैं फैसिकुलर। हो गया। ये बताओ वेस्टर बंडल बिल्कुल रिंग में लगे हुए हैं। इधर देखो, इधर देखो, इधर वेस्टर बंडल कैसे लगे हुए हैं? रिंग में। लेकिन क्या डाइकॉट रूट में रिंग में लगे हुए थे क्या? नहीं, अंदर बाहर थे। बना लिया हो तो आगे बढ़े, दो लाइन और बोलेंगे खत्म। सिर्फ दो लाइन की कहानी है, फिर प्रैक्टिस। एवरी चैप्टर नीड्स ना डिफरेंट एस्पेक्ट, हर चैप्टर का अलग अलग पहलू है कि किस चैप्टर को कैसे पढ़ा जाता है। एनाटॉमी रिक्वायर्स प्रैक्टिस। दो चार बार बनाओगे तो हमेशा के लिए दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। बीच में बताओ बीचों बीच क्या था? पित, लिख दो पित। और याद करो वहां पर जाइलम फ्लोएम के बीच में से कंजक्टिव टिश्यू, यहां पर कंजक्टिव टिश्यू नहीं कह रहे, यहां पर उसी को बोलते हैं मेडुलरी रे। रे का मतलब हुआ ऊपर ऊपर ऊपर। बनाओ नहीं, बनाओ नहीं। अगर बीचों बीच वाला पित सूर्य मान ले तो चारों तरफ उसकी क्या निकल रही है? किरणें, मेडुलरी रे। एक पॉइंट पित्त के लिए, एक पॉइंट मेडुलरी रे के लिए, डाइकॉट स्टेम खत्म। मेडुलरी रे, फ्यू लेयर्स, जल्दी कर बेटा, फ्यू लेयर्स, नहीं एनसीईआरटी दीजिए। मेडुलरी रे में लिखो फ्यू लेयर्स, हो गया। पित्त में लिखो लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस,
लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, क्योंकि इतनी अंदर तक ऑक्सीजन पहुंचने में क्या आएगी, दिक्कत। पिथ डैश लार्ज, पिथ बड़ा होगा, पिथ में एक पॉइंट और लिखो, लार्ज लार्ज पिथ बड़ा होगा, लार्ज कॉमा राउंडेड सेल। जब ना पता हो कोई चीज किसकी बनी है तो पैरेन्काइमा, लार्ज कॉमा राउंडेड सेल, ओवर एंड आउट। मोनोकॉट स्टेम पढ़ेंगे या कंपेयर करेंगे, कंपेयर क्या इसमें है और क्या उसमें नहीं है। ऊपर मैंने कहा था अगर कैम्बियम पाई जाएगी तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी, कैसे होगी अब आपको पढ़ना नहीं है। अब सुनो मेरी बात, ऊपर ऊपर आपने डाइकॉट स्टेम पढ़ लिया, सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके बाद कॉल्टेक्स, कॉल्टेक्स की तीन लेयर, हाइपोडर्मिस कॉर्टिकल लेयर और आपका इंडोडर्मिस। अच्छा, आपका जो हाइपोडर्मिस है वो कॉलेनकाइमा का बना है और जो आपकी इंडोडर्मिस है उसके अंदर स्टार्ची शीट पाई जाती है, उसके नीचे सेमीलूनर पैचेस, लेकिन फ्लोएम के ऊपर वो बने होते हैं स्क्लेरेनकाइमा के, सेमीलूनर पैचेस हैं। आपका अबव द फ्लोएम, बिलो द इंडोडर्मिस। अच्छा, बीचों बीच आपका बड़ा पित पाया जाएगा, लेकिन डाइकॉट स्टेम में पित बड़ा है, लेकिन डाइकॉट रूट में पित क्या हो जाता है, छोटा। बोलते ही नहीं हो यार। अच्छा ये बताओ, ये चारों तरफ जो कुछ लेयर पाई जाएंगे किसकी मंडलेरी, रे वेस्टर मंडल, रिंग अरेंजमेंट है, कंजॉइंट है या कंजॉइंट, ओपन या क्लोज, एकदम क्लियर है बात। अच्छा अब बेटा सुनो मेरी बात, जाइलम में भी प्लीज सुनिएगा, जो जाइलम पहले बनता है उसे प्रोटोजाइलम बोलते हैं। जो जाइलम पहले बनेगा, फर्स्ट फॉर्म जाइलम इज कॉल्ड, लिखो लिखो लिखो, नई एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लिखना पड़ेगा, इसे पढ़ना पड़ेगा भैया, ये नहीं पढ़ोगे तो लाइनें नहीं क्लियर होंगी। फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम इज कॉल्ड प्रोटोजाइलम, फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम इज कॉल्ड प्रोटोजाइलम। जो जाइलम पहले बनेगा वो प्रोटोजाइलम, एंड लेटर फॉर्म्ड जाइलम, एल ए टी ई आर, लेटर, लेटर मतलब बेटा पत्र, लेटर फॉर्म्ड जाइलम हो गया, मतलब जो तुम साइलम लिखो उसमें दो तरीके का साइलम होगा, एक प्रोटो होगा और एक मेटा। अगला पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ प्रोटोसाइलम, प्रोटोसाइलम किस तरफ है, कॉमा, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटोसाइलम कॉमा, देयर आर टू कंडीशंस, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटोजाइलम, ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ प्रोटोजाइलम, ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ प्रोटोजाइलम कॉमा, देयर आर टू कंडीशंस, दो कंडीशंस है, डैश, पहली एक्सार्क, ई एक्स ए आर सी एच, एक्सार्क, ई एक्स ए आर सी एच, ये बताओ एक्सार्क, एक्स मतलब बाहर के अंदर, बाहर देखो प्रोटोजाइलम बाहर, अब दो हैं प्रोटो और मेटा, अगर एक बाहर तो दूसरा अंदर, अब देखना नहीं आपको, सिर्फ ये दिमाग में रखना है, प्रोटोजाइलम बाहर मेटाजाइलम अंदर, एक्सार्क में देखो प्रोटोजाइलम बाहर मेटाजाइलम अंदर, दूसरा इंडार्क, ई एन डी ए आर सी एच, हो गया, डैश, इनका मतलब अंदर की बाहर, अंदर उल्टा कर लो, प्रोटो अंदर मेटा बाहर, प्रोटो अंदर मेटा बाहर, इंडार्क, ई एन डी ए आर सी एच। एक्सार्क का एग्जांपल रूट, एक्सार्क का एग्जांपल रूट, इंडार्क का एग्जांपल स्टेम। एक्सार्क किसमें होगा, रूट में, इंडार्क किसमें होगा, स्टेम में। एक्सार का एग्जाम्पल रूट, इंडार का एग्जाम्पल स्टेम। ये बताओ स्टार्ची शीत, ये बताओ पेरिसाइकिल स्क्लेरेनकाइमा, अब समझ में आया बनाने से क्या फायदा होता है। अब लिखो एक तरफ मोनोकॉट स्टेम, एक तरफ डाइकॉट स्टेम, बीच में डंडा। डाइकॉट स्टेम में लिखिएगा बंडल शीत अब्सेंट। सर बंडल शीट क्या होती है, वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ सेल जो पाई जाती है, वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ जो सेल पाई जाती है उन्हीं को बंडल शीट कहते हैं, समझ गए, बंडल शीट, बंडल के चारों तरफ जो शीट बनाए
सेल्स की लेयर, मोनोकॉट स्टेम में बंडल शीट प्रेजेंट, मोनोकॉट स्टेम में बंडल शीट प्रेजेंट, डाइकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट, मोनोकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ अब्सेंट। ये डाइकॉट में पित बड़ा था ना, लेकिन मोनोकॉट स्टेम की तुलना में छोटा होता है, रूट की तुलना में बड़ा लेकिन स्टेम की तुलना में छोटा। देखो पित स्मॉल, डाइकॉट स्टेम पित स्मॉल, दूसरी तरफ पित लार्ज। डाइकॉट स्टेम में पित स्मॉल, मोनोकॉट स्टेम में पित लार्ज। डाइकॉट रूट की तुलना में डाइकॉट स्टेम का पित बड़ा है लेकिन मोनोकॉट की तुलना में पतला है। लिखा डाइकॉट स्टेम में पित स्मॉल, मोनोकॉट स्टेम में पित लार्ज। अब नीचे एक नोट लिखो, साइज ऑफ पित, साइज ऑफ पित, पित का साइज, साइज ऑफ पित। सबसे पहले डाइकॉट रूट, डाइकॉट रूट हो गया। अब ऐसे वाला एक सिंबल बनाओ, उससे बड़ा डाइकॉट स्टेम, हो गया डाइकॉट स्टेम लिखा नहीं, और अच्छा लिखो डाइकॉट रूट लिखा। अब लिखो लिखा नहीं 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 सही लिखा, सही लिखा, सही 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 डाइकॉट स्टेम। फिर ये वाला एरो लगाओ, उससे बड़ा मोनोकॉट रूट, सबसे बड़ा मोनोकॉट स्टेम, उसमें पिथ है, पिथ है। अगला लिखिएगा, अरे साइज है पित का, किसमें पित कितना बड़ा, डाइकॉट रूट की तुलना में डाइकॉट स्टेम का बड़ा है ठीक, लेकिन मोनोकॉट स्टेम की तुलना में छोटा है, इस वजह से उसका अरेंजमेंट लिखवाया है। लिखो आगे, डाइकॉट स्टेम वेस्कुलर बंडल इन रिंग फॉर्म, वेस्कुलर बंडल इन रिंग फॉर्म, रिंग के फॉर्म में होते हैं। अब इधर देखो बेटा, अगर मान लो हम मोनोकॉट के स्टेम पढ़ रहे हैं तो सबसे बाहर आपकी क्या होगी, एपिडर्मिस। मान लो ये बना दी हमने एपिडर्मिस ठीक, एपिडर्मिस के नीचे कौन सी लेयर थी, हाइपोडर्मिस। डाइकॉट स्टेम की हाइपोडर्मिस बनी हुई थी कोलेनकाइमा, लेकिन मोनोकॉट स्टेम की हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा। कौन सा काइमा, स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। और पूछो इसके अंदर, पूछो इसके बाद कौन सी लेयर, लेयर लेयर पेयर सब खत्म, उसके बाद भर दो ढेर सारा पित, या बोल दो ग्राउंड टिश्यू। और जब कुछ ना पता हो तो ये किसका बना होगा, पैरेन्काइमा। एकदम क्लियर है ये बात। डाइकॉट स्टेम में वेस्कुलर बंडल रिंग में अरेंज था, लेकिन यहां पर रिंग में अरेंज नहीं होगा, यहां पर वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होगा। ऐसे समझो इस दलदल में, इस ग्राउंड टिश्यू में अगर तुम अद्धा मारो, और अद्धा क्या है, जाइलम और फ्लोएम, बस इसी में ढेर सारे वेस्कुलर बंडल क्या करो, धसा दो। देखो एनसीईआरटी का डायग्राम, वेस्कुलर बंडल देखो ऐसा लग रहा है धसे हुए हैं। देखो ग्राउंड टिश्यू के दलदल में वेस्कुलर बंडल क्या है, धसे हुए हैं। जो बड़े बड़े वाले वेस्कुलर बंडल हैं, जो बड़े वाले वेस्कुलर बंडल हैं, वो बीच में हैं या बाहर हैं, और छोटे वाले बाहर। अगला लिखिए, डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट वेस्कुलर बंडल रिंग फॉर्म लिख लिया, उधर लिखो वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड फॉर्म, वेस्कुलर बंडल डैश स्कैटर्ड फॉर्म, स्कैटर्ड मतलब फैले हुए हैं। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, संभाल के रखिएगा, नोट्स अगर चोरी हो गई ना तो सब कुछ चोरी हो जाएगा आपका, क्योंकि खुद की लिखी नोट्स जो होती है ना, खुद की राइटिंग में ज़्यादा दिमाग में चढ़ती है। ए स्टेम में वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट होता है, चाहे डाइकॉट हो चाहे मोनोकॉट, दोनों में लिखो कंजॉइंट, कंजॉइंट
दोनों में कंजॉइंट कंजॉइंट वेस्टर्न मंडल, अरे दोनों स्टेम है ना यार, रूट में रेडियल, स्टेम में क्या होगा, कंजॉइंट कंजॉइंट कंजॉइंट। एक तरफ लिखो कंजॉइंट ओपन, अब किधर लिखना वो तुम जानो, डाइकॉट में कंजॉइंट ओपन, दूसरी तरफ लिखो कंजॉइंट क्लोज। ए बंडल शीत मोनोकॉट की डाइकॉट, मोनोकॉट। अगला लिखो डाइकॉट स्टेम, वेस्कुलर बंडल सिमिलर इन साइज, वेस्कुलर बंडल सिमिलर इन साइज डाइकॉट स्टेम में, मोनोकॉट स्टेम में, डाइकॉट स्टेम में वेस्कुलर बंडल सिमिलर इन साइज, डाइकॉट स्टेम में वेस्कुलर बंडल सिमिलर इन साइज। उधर वेस्कुलर बंडल डिसिमिलर इन साइज। मोनोकॉट में लिखो वेस्कुलर बंडल डिसिमिलर इन साइज, ब्रैकेट में पेरिफेरल स्मॉल, जो किनारे किनारे वाले वो क्या है, छोटे हैं, पेरिफेरल स्मॉल, सेंट्रल लार्ज, सेंट्रल लार्ज। नोट्स अपनी संभाल संभाल के चलिएगा, मैं फिर कह रहा हूं नोट्स खोवाइएगा नहीं गलती से भी। हो गया पेरिफेरल स्मॉल। डाइकॉट स्टेम में लिखिएगा फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट, फ्लोएम में पैरेन्काइमा सेल पाई जाती है, ब्रैकेट में पेरिफेरल स्मॉल सेंट्रल लार्ज। डाइकॉट स्टेम में फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा अब्सेंट और प्रेजेंट, और मोनोकॉट स्टेम में फ्लोएम पैरेन्काइमा अब्सेंट। ये मेडुलरी रे किसमें थी, डाइकॉट में, मोनोकॉट में कहां रे, पूरे में क्या भरा हुआ है, पित्त या ग्राउंड टिश्यू बोल दो। डाइकॉट स्टेम में लिखिएगा, बोले अच्छा आराम आराम से, फ्लोएम का पैरेन्काइमा अब्सेंट प्रेजेंट खेल लिया। अगला लिखिएगा कॉर्टिकल लेयर कॉमा हाइपोडर्मिस, ओ कॉर्टिकल लेयर कॉमा डाइकॉट स्टेम में, कॉर्टिकल लेयर कॉमा इंडोडर्मिस कॉमा, कॉर्टिकल लेयर कॉमा इंडोडर्मिस कॉमा पेरिसाइकिल कॉमा, पेरिसाइकिल कॉमा मेडुलरी रे आर प्रेजेंट। उधर कर दो दीज लेयर आर अब्सेंट, ऊपर मान लो ये जाइलम का पाइप है और बीच में फट गया कहीं पर, तो बताओ यहां पर कैविटी होगी या नहीं होगी, होगी, और वहां पर क्या भरा होगा, पानी। डाइकॉट स्टेम में लिखो वाटर कंटेनिंग कैविटी, वाटर कंटेनिंग कैविटी, या वाटर कैविटी लिखो सबसे अच्छा, वाटर कैविटी डाइकॉट स्टेम में अब्सेंट मोनोकॉट स्टेम में प्रेजेंट, वाटर कैविटी डाइकॉट स्टेम में अब्सेंट मोनोकॉट में प्रेजेंट। नोट, एक डाइकॉट में नोट है एक मोनोकॉट का नोट है, पहले डाइकॉट का लिखो नोट। अच्छा ईमानदारी से एक बात बताना, कितने लोगों ने पहले मोनोकॉट लिखा है बाद में डाइकॉट लिखा है, देखो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी, क्योंकि हमारी टेंडेंसी है साइकोलॉजी हम एक से दो पे जाते हैं, मोनोकॉट से डाइकॉट। चलो डाइकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा, बट पेरिसाइकिल, डाइकॉट स्टेम में ध्यान रखना, बट पेरिसाइकिल हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा, बट पेरिसाइकिल स्क्लेरेनकाइमा। पत्ती तो शुरू होने से पहले खत्म हो जाती है, पत्ती में कुछ नहीं। मोनोकॉट स्टेम बंडल शीत एंड हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा, बट पेरिसाइकिल स्क्लेरेनकाइमा, बट पेरिसाइकिल स्क्लेरेनकाइमा। कर लिया,
अब मोनोकॉट स्टेम में लिखो हाइपोडर्मिस एंड बंडल शीथ, बंडल शीथ एंड हाइपोडर्मिस। मोनोकॉट स्टेम में कहाँ एब्सेंट है? मोनोकॉट स्टेम में प्रेजेंट है, डाइकॉट स्टेम में बंडल शीथ एब्सेंट है। लिखो बंडल शीथ एंड, बंडल शीथ एंड हाइपोडर्मिस बोथ आर स्क्लेरेन्काइमा, बोथ आर स्क्लेरेन्काइमा, दोनों स्क्लेरेन्काइमा की बनी। अगर हम पत्ती को काट के सामने से देखेंगे तो गोल गोल नहीं दिखेगी, ये कैसी दिखेगी? लंबी लंबी। समझ पाए बेटा? हर चीज को काट के तुम गोल गोल देखने लगते हो यार। इधर देखो, ये बताओ अगर ये पत्ती है तो ऊपर भी एपिडर्मिस होगी और नीचे भी एपिडर्मिस, बेस साइड भी होगी और ऊपर भी होगी, ऊपर वाली को अपर एपिडर्मिस तो नीचे वाले को लोअर। ये बताओ पत्तियों के ऊपर क्यूटिकल पाई गई थी क्या? मान लो ये हो गई अपर एपिडर्मिस, क्या हो गई भैया? अपर एपिडर्मिस। हैप्पी बर्थडे। और ये मान लो क्या हो गई? लोअर एपिडर्मिस। आप क्या चाहते हैं? सनलाइट, सनलाइट जो पत्ती पे पड़ रही है उससे वाटर लॉस हो या ना हो? ना हो। डाइकॉट की पत्ती जो है, पत्ती लो, डाइकॉट की पत्ती प्लांट पे ऐसे लगी होती है, अपर एपिडर्मिस सनलाइट को फेस करती है लेकिन लोअर एपिडर्मिस सनलाइट को डायरेक्ट फेस नहीं कर रही। तो बताइए स्टोमेटा किधर करें, ऊपर या नीचे? नीचे। वाटर लॉस बचाना चाहोगे ना यार, तो स्टोमेटा किधर रखोगे? नीचे। लेकिन मोनोकॉट की पत्ती खड़ी खड़ी होती है तो इधर से भी लाइट पड़ेगी और इधर से भी, तो मोनोकॉट में दोनों तरफ आपकी स्टोमेटा क्या होंगे? बराबर। एकदम क्लियर? देखो लिखा हुआ है डाइकॉट लीव और लिखा है डॉर्सी वेंट्रल लीव, मिला? डॉर्सल वेंट्रल ऊपर नीचे होता है, खड़ा खड़ा नहीं होता है। देखो बिकॉज, बिकॉज उसी के आगे हेडिंग के आगे लिखो बिकॉज, बिकॉज देखो, अरे यार हेडिंग देखो ना, पेज नंबर 93 पुरानी एनसीईआरटी से मैं बोलता हूं, हो गया पेज नंबर 93 लिखो बिकॉज, बिकॉज बोले लोअर एपिडर्मिस हैव मोर स्टोमेटा, होंगे दोनों तरफ लेकिन लोअर की तरफ ज्यादा, लोअर एपिडर्मिस हैव मोर स्टोमेटा। डाइकॉट में लिखना भैया, इसी वजह से डॉर्सी वेंट्रल लीफ बोलते हैं, डॉर्सल वेंट्रल अलग अलग होता है इनका। लोअर एपिडर्मिस हैव मोर स्टोमेटा, अपर में है लेकिन कम है। उधर देखो क्या लिखा है, आइसो मतलब क्या हुआ? सेम, आइसो बाइलेटरल लीफ, लेटरल मतलब बगल बगल। लिखो बिकॉज, क्वेश्चन पूछ लेगा क्यों कहते हैं, बिकॉज बोथ सरफेस हैव नियरली इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा, बिकॉज बोथ सरफेस हैव नियरली इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा, बोथ सर्फेस हैव नियरली इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा। बोर्ड की तरफ देखिए, ऊपर वाली एपिडर्मिस को हम एडेक्शियल बोलते हैं, अभी याद हो जाएगा, देखते जाओ, एडेक्शियल एपिडर्मिस मेरे साथ बना रहे हो ना, तो नीचे वाले को एबैक्शियल, बी से क्या हो गया? बेस। कुछ जल रहा है क्या यार? तुम लोग मेरी खूबसूरती से जल रहे हो। हम लोग ऊपर से किधर आएंगे? नीचे। बोलो लंबी लंबी, लंबी लंबी, लंबी लंबी, पेली सीड, इसे बोलते हैं पेली सीड। यार अभी भी जल रहा है, मैं डरता नहीं हूं, मैं डरता नहीं हूं बेटा, डर के मारे कांपता हूं। इधर देखो, ऊपर वाली एपिडर्मिस और नीचे वाली एपिडर्मिस के बीच में मैंने आपको पढ़ाया था, जितनी भी सेल्स होंगी वो क्या कहलाएंगी? मीजोफिल।
फिल का मतलब पत्ती, मीजो का मतलब बीच में। मीजोफिल भी दो पार्ट में डिवाइड की गई है। पहले देखो, बोलो लंबी लंबी, लंबी, लंबी। अरे लंबी लंबी, एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल, ये कहलाती है पेलीसेड पैरेन्काइमा। कौन सी भैया? पेलीसेड पैरेन्काइमा। और उसके बाद गोल गोल, गोल गोल सेल्स पाई जाती हैं, जिनके बीच में देखो ढेर सारा स्पेस दिख रहा है, दिख रहा है? इसी से क्या इंटर करेगी? एयर। ये बताओ, ये छूने में स्पॉन्जी होगी कि नॉन स्पॉन्जी? स्पॉन्जी। कहीं पत्ती को पीछे से दबाओ तो थोड़ा सा गुलगुल लगती है, इतना भी नहीं लगती, तकिया मान के उसके ऊपर सो जाओ। इस वजह से इसे क्या बोलते हैं? स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो बताओ मीजोफिल को कितने लेयर में बांटा गया? दो। एक बांटा गया पैलीसेड और एक क्या बांटा गया आपका? स्पॉन्जी। ये बात एकदम क्लियर है या नहीं क्लियर है? बोलते ही नहीं हो यार। क्लियर है? क्लियर है? ड्रॉ करो। अब इधर अंदर क्या हो जाएंगे? जाइलम और फ्लोएम। अब इधर देखना, जाइलम फ्लोएम के चारों तरफ मैंने अभी बताया था जो सेल्स की लेयर पाई जाएगी वो क्या कहलाएगी? बंडल शीट। नहीं पता है तो पैरेन्काइमा। यहां पर लिखो थिक वॉल्ड बंडल शीट। थिक याद रखना, थिक वॉल्ड बंडल शीट, थिक वॉल्ड बंडल शीट। अरे बंडल शीट से एरो लेके लिखो भैया, मेरे मुंह से एरो लेके लिखोगे क्या? तुम लोग को बहुत मजा आता है ना। थिक वॉल्ड बंडल शीट। ये बताओ जितनी मोटी वेन उसके अंदर उतना मोटा जाइलम। कर लिया? इधर बोर्ड की तरफ देखो, हो गया, ये हो गया मोनोकॉटलीफ। ना कोई पैलीसेड ना कोई स्पॉन्जी, सिर्फ बीच में पैरेन्काइमा सेल भर दो। अर्थात मोनोकॉटलीफ में ना तो कोई पैलीसेड पैरेन्काइमा ना तो कोई स्पॉन्जी। तो बताओ क्या मोनोकॉट में मीजोफिल डिफरेंशिएटेड है दो लेयर में या नहीं है? नहीं। बोलो यार, नहीं है। एकदम क्लियर है भैया, जाइलम फ्लोएम होगा। ये मत कह देना कि जाइलम फ्लोएम भी क्या हो गया आपका? अब्सेंट। जाइलम फ्लोएम भी होगा, बंडल शीथ भी होगी। अब ऊपर देखो, ऊपर ऊपर कॉपी तापे छोड़ो, लास्ट बात, बात खत्म होने वाली है। मोनोकॉट लीफ के केस में, किसके मोनोकॉट, जो लीफ होती है उसकी अपर सरफेस पे, क्या अपर सरफेस, सब लोग अपने अपना पेन उठाओ। बहन रक्षाबंधन का गिफ्ट आज मिल रहा है, पेन उठाओ, जो चलता हो एक गोला यहां बनाओ कलाई पे, एग्जैक्ट नहीं यहां हथेली पे, नहीं नहीं अच्छा हम बनाए, हम बनाए, इधर आओ। ये जहां पर ज्वाइंट है उंगली का, सारे ज्वाइंट से बनाइए। अबे ज्वाइंट है, ज्वाइंट भी दिखाऊं, जहां जहां से उंगली मुड़ेगी वहां पे गोले बना दो बस। जहां जहां पे, जहां जहां पे उंगलियां मुड़े हथेलियां मुड़े वहां वहां बना दो। बना लिया गोला? अरे नहीं बना पा रहे हो यार। जहां जहां पे ज्वाइंट है वहां वहां बना दो, एक बार में सिखा दूंगा। हो गया? हाँ हाँ बनाओ, जहां जहां से तुम्हारा हाथ मुड़ रहा है, हाँ हाँ बनाओ। हो गया? बना लिया? ऊपर, ये लीफ का अपर सरफेस है, कौन सा? अपर। ऊपर अगर लीफ ऐसे खुली रहेगी तो सनलाइट पड़ेगी ज्यादा या कम? वाटर लॉस होगा। मान लो प्लांट को पानी की कमी पड़ गई, तो प्लांट की प्रत्येक सेल में पानी की क्या पड़ जाएगी? कमी। पक्का? समझना। तो ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स मिडरिप के बिल्कुल अगल बगल होती हैं। कहां पर? मिडरिप के बिल्कुल अगल बगल। अगर मान लो ये मिडरिप है, बेटा लास्ट बात हो रही है, अच्छे सुनो, तो इसके अगल बगल पाई जाती है, बीच बीच में। बड़ी सेल होती है, खोखली सेल होती है। खोखली है तो बताओ कलर्ड होगी कि कलरलेस? कलरलेस। लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल। और ये बड़ी सेल बिल्कुल सांड जैसी बड़ी, कैसे बेटा? सांड जैसी। हमें क्या देख रही हो? हम चूहा है,
इन्हें कहते हैं बुली फॉर्म सेल। कौन सी सेल? बुली फॉर्म। मोनोकॉट में कि डाइकॉट में? मोनोकॉट। इधर जैसे घास हो गई, घास। अब क्या होगा, प्लांट में पानी की कमी पड़ी तो बताओ प्लांट में पड़ी कि प्रत्येक सेल में पड़ी? प्रत्येक सेल में पड़ी। इन सेल से पानी निकल जाएगा, जब सेल से पानी निकलेगा तो सेल पिचक जाएंगे कि फूल जाएंगे? पिचक जाएंगे। बोलो यार, सेल जैसे ही पिचकेगी तो उतनी जगह पर मुड़ो मुड़ो मुड़ो, पिचकी 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 पिचकी, पत्ती मुड़ जाएगी। बोलो यार, और पानी मिल गया तो सेल तन जाएगी। बोलो यार, सेल। अरे भैया, अगर पानी, अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी होती है तो ऐसा थोड़ी कि हल्ट को कमी है, सबको कमी भैया, बॉडी के सभी अंगों को कमी हो गई पानी की। बताओ, नाना प्रकार के अंग है। अगर वैसे ही प्लांट में पानी की कमी पड़ गई, तुम्हारा बन गया, तुम्हारा बन गया, पेन खत्म हो गया। सुनो हमारी बात, अगर मान लो बॉडी में पानी की कमी पड़ती है तो बॉडी की प्रत्येक सेल में पानी की क्या पड़ेगी? कमी। ये भाई साहब हाथ पे मोड़ मोड़ देख रहे अपना, इधर इधर, ए ए चाचा, ए ए रुक के इधर। आप सुनो, फिर मत ही आ रहा था। हो गया बेटा, टकले सर फोड़ दूंगा, परसों एडमिशन लिया है। हाँ, इधर आओ। तो पानी सेल में क्या हो जाएगा? कम। जब कम हो जाएगा तो ये वहीं पर उसी उसी जगह से क्या हो जाएगी? मुड़ जाएंगी। सरफेस एरिया क्या हो गया? कम। जब पानी मिल गया पर्याप्त तो सेल तन जाएगी और पत्ती खुल जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट डाउन, राइट डाउन, राइट डाउन। हाउ मच, हाउ मच? वन टाइम, वन टाइम, वन टाइम। एक दिन पोलवाल सर से इंग्लिश में बात करेंगे। हे डूड, व्हाट्स अप? आई एम फाइन, थैंक यू, थैंक यू। ग्रासेस में, ग्रासेस में एडेक्शियल एपिडर्मिस में, एडेक्शियल एपिडर्मिस में वेन्स के अलोंग, वेन्स के अलोंग लार्ज एम्प्टी कलरलेस बुली फॉर्म सेल पाई जाती है। BULLI, बुली फॉर्म सेल्स पाई जाती हैं। जब बुली फॉर्म सेल, नेक्स्ट पॉइंट है, जब फुली बुली फॉर्म सेल, बुली नहीं बेटा, बुली, जब बुली फॉर्म सेल पानी को एब्जॉर्ब करती है तब ये तन जाएगी या तन जाएगी? तनने को बोलते हैं टर्जिड। तब सेल टर्जिड हो जाएगी। ना पता हो लिख लेना, टर्जिड मतलब तनना, टी से तनना, टी से टर्जिड। और लीफ ओपन हो जाएगी, और लीफ ओपन हो जाएगी जब वाटर स्ट्रेस रहेगा। लास्ट पॉइंट, जब वाटर स्ट्रेस रहेगा मतलब पानी की अधिकता। ओ माय गॉड, आप बता नहीं, आज से पहले तो मैं सोचता था अधिकता। सेल से पानी निकलेगा, ले भाई ये पानी ये निकल गया, हो गया। सेल से पानी निकलेगा तो बताइए पानी की कमी हुई कि अधिकता? सेल फ्लैसिड हो जाएगी, फ्लैसिड मतलब पिचक जाएगी, FLACCID लिखा, फ्लैसिड हो जाएगी। DPD बराबर OP माइनस TP पढ़ाते थे पहले, WW बड़ा मजा आता था। लिखो अगला। लेकिन मेरी दिली तमन्ना है कि वो ओल्ड से ही बनाए, मेरी 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 मेरा दिमाग कह रहा नहीं बनाएंगे, लेकिन मेरा दिल कह रहा है बनाए। सेल्फ एसिड हो जाएगी, पत्ती कर्ल कर जाएगी, सरफेस एरिया कम या ज्यादा? बोल दो, हाउ मच? वेरी मच, वेरी मच। लास्ट पॉइंट, चैप्टर खत्म। टेस्ट ऐसे कैसे लगा देंगे? अभी टेस्ट पेपर बनाना पड़ता भैया, देखना पड़ता है कौन सा क्वेश्चन देना है, कौन सा नहीं देना है। ए, मिडरिप मोटी होती है क्या? ये बताओ, अगर ये मोनोकॉट लीफ है
तो मिड रिब मोटी होगी, बाकी जितनी चीजें होंगी वो सेम डायामीटर की। तो बताओ सबसे मोटा वेस्कुलर बंडल कहां पर? मिड रिब। और बाकियों में लगभग क्या होगा? बराबर। तो कहते हैं वेस्कुलर बंडल का साइज मोनोकॉटलीफ में बराबर होगा एक्सेप्ट मिड रिब। अब एक तरफ लिखिए मोनोकॉटलीफ, एक तरफ लिखिए डाइकॉटलीफ, चार डिफरेंसेस हैं। मोनोकॉटलीफ, डाइकॉटलीफ, एनाटॉमिकल डिफरेंसेस देख रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस नहीं देख रहे हैं, एनाटॉमिकल चीर के देखेंगे। मीजोफिल मोनोकॉट में नॉन डिफरेंशिएटेड, डाइकॉट में डिफरेंशिएटेड, मोनोकॉट में नॉन डिफरेंशिएटेड, डाइकॉट में डिफरेंशिएटेड। मीजोफिल, मीजोफिल मोनोकॉट में नॉन डिफरेंशिएटेड, डाइकॉट में डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड मतलब अलग अलग, पैलिसेड अलग, स्पॉन्जी अलग। वेनेशन खुद से लिख लो, मुझे नहीं पता। मोनो में पैरेलल, डाई में रेटिकुलेट। बुलीफॉर्म सेल, अरे यार रेटिकुलेट पैरेलल नहीं जानते हो तो लिखो डाइकॉट में रेटिकुलेट, मोनोकॉट में पैरेलल। वेनेशन हो गया, रेटिकुलेट पैरेलल हो गया, डाइकॉट रेटिकुलेट मोनोकॉट पैरेलल। बुलीफॉर्म सेल खुद से लिखो प्रेजेंट अब्सेंट, मोनोकॉट में प्रेजेंट, डाई में अब्सेंट। क्रैंस एनाटॉमी ये बताएंगे बाद में, आगे आएगा। K R A N Z क्रैंस एनाटॉमी, डाइकॉट में अब्सेंट, मोनोकॉट में प्रेजेंट। बंडल शीट सेल, डाइकॉट में कॉलेनकाइमा, मोनोकॉट में स्क्लेरेनकाइमा। डाइकॉट में बच्चों कॉलेनकाइमा, मोनोकॉट में स्क्लेरेनकाइमा। इस बार हो इधर, मंडे से वी विल स्टार्ट सेल। साला सिलेबस बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। अब सुनो, अब रुको, अब 2 महीने की छुट्टी इधर। अब सुनो मेरी बात, ऊपर सेल के बाद अपन घुसेंगे प्लांट फिजियो में, प्लांट फिजियो के बाद सेल और बायोमोलिक्यूल के बाद प्लांट फिजियो, फिर सेल डिवीजन, 11th खत्म, जेनेटिक्स चालू। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।